चलो शुरू करते हैं हमारा अगला लेक्चर। जो टॉपिक हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सीरीज का आखिरी लेक्चर है। स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। चलो समझते हैं इस पॉइंट को। देखो आपने शायद कैपेसिटर के बारे में पढ़ रखा होगा, कैपेसिटर होता क्या है, उसका टाइप क्या होता है। अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रख दे तो उसका इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या आता है, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल, शायद ये सब बातें आपको पता होगी। अगर पता नहीं है तो पहले ये पढ़ लो, फिर बाद में आपको ये बातें क्लियर, ये जो टॉपिक है क्लियर समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस टॉपिक का जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा, इस पॉइंट से हमें क्या गैदर करनी है इंफॉर्मेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझो, यहाँ पे क्या होता है। देखो ये जो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रखा है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी ये जो कैपेसिटर है अभी चार्ज कंडीशन में है, ठीक है, हम बोलेंगे इसको चार्ज कैपेसिटर है, राइट। अभी जब ये चार्ज है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या बन रही होगी, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही होगी ना, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये एक एनर्जी स्टोर करके रखती है। इट स्टोर एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। और जो एनर्जी स्टोर होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। बस हम इसी का एक डेरिवेशन करेंगे, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है, जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो कुछ जो एनर्जी होता है वो होता है 1/2 क्यू वी, या इसको हम बोल सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। इस एक्सप्रेशन के इक्वल हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर होता है। हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चलो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वी आर एज्यूमिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी आर एज्यूमिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझते हैं, कैपेसिटर। देखो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टर से बना होता है, ठीक है। उसी तरह से हम एक प्लेट लेंगे जो कुछ मटेरियल, एक स्पेसिफिक मटेरियल का होगा जो कैपेसिटर बनाने में यूज होता है। मान लो ये हमारा एक दो कंडक्टर हो गए जो कि हमारा कैपेसिटर बना रहे हैं, ठीक है। कुछ हम इसको इस तरह से प्लेस कर देते हैं, और इन दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो डी डिस्टेंस है, ठीक है। अभी होता क्या है, हमें इसे चार्ज करना होता है। चार्ज करने के लिए हम इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस दो प्लेट को हम बैटरी के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे वी पोटेंशियल का बैटरी इसको कनेक्ट कर दिया है, अभी ये चार्ज करेगा बैटरी की हेल्प से। अभी यहाँ पे ना समझना है कि ये चार्ज प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। आप जब भी इसको बनाते हो तो कुछ ऐसा लिखते हो, इस मेटल प्लेट पे आप पॉजिटिव चार्ज लिखते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। और इस मेटल प्लेट पे आप लिखते हो, मेटल प्लेट बोल दो या सिर्फ प्लेट बोल दो, कंडक्टर बोल दो, इस कंडक्टर पे लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। और इस पे जितना चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे होता है, और ये हमारा अभी कैपेसिटर बन के तैयार है। लेकिन समझिएगा, ये जो चार्ज होता है ये कहाँ से आता है, हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि ये जो
प्लेट है हमारा, ए प्लेट मान लो, इसको ए प्लेट बोलेंगे और इसको बी प्लेट बोलेंगे। ये जो ए प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है इस बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, और इस प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो बैटरी की नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से आ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि इस प्लेट में से, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, समझो इस प्लेट में से अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ डंप कर दें, अगर इस प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज निकल के इस प्लेट पे डंप कर देते हैं, तो हम कैसे, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्लेट से हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो इस प्लेट से जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, उसके बदले में यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हम इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने की बात कर रहे हो, इसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है जब भी हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उसी तरह से अभी वर्क डन करेंगे तो ये जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो कंसेप्ट होता है हमारा वर्क डन का, कि हम जब भी वर्क डन करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वो, इसको समझते हैं, जब भी हम वर्क डन करते हैं तो किस में स्टोर हो जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा या ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखी होगी, जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। जितना भी आप काम करो वो सब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम बोल सकते हैं जब भी हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पर जाके डंप करेंगे, तब इस प्रोसेस में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन करेंगे ये वर्क डन इस दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पोलैरिटी के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। चलो हम इसको अभी धीरे धीरे समझेंगे। देखो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस प्लेट से, जो प्लेट बी है, प्लेट बी से हम एक पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहे हैं, प्लेट ए की तरफ पे, और किस तरह से ले जा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने कह दिया कि इस रूट से ले जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो चार्ज जब भी कंडक्ट होता है उसके लिए मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम एक ही हो सकता है जो कंडक्टर हो, क्योंकि कंडक्टर से ही हमारा चार्ज फ्लो करता है। मान लो अगर हम यहाँ पे कोई रॉड लगा देते हैं कंडक्टर का, तो ये चार्ज यहाँ से इस रॉड से पास करेगा और इस प्लेट पे आ जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस तरह को, इसको ऐसे बोलते हैं सिर्फ कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो उड़ उड़ कर जाता है और इस प्लेट पे एकुमुलेट हो जाता है, तो ये बात बहुत सरासर गलत होगी। पहले तो पॉजिटिव चार्ज तो उस आयन के साथ होता है तो वो तो मोबाइल होता ही नहीं है। एक दफा आप ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस प्लेट पे आ जाएगा, तब तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को लाना है प्लेट बी से ए तक। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरह नहीं आता है, तो इस पे बैटरी की हम हेल्प लेते हैं। तो ये जो वर्क डन होता है, जो चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ लाने में, इसके कारण यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस प्रोसेस में हमें जो एक्सटर्नल कोई एजेंट चाहिए जो हमारी ये हेल्प कर दे, और ये जो एक्सटर्नल एजेंट होता है ये हमारा बैटरी होता है। देखो बैटरी क्या करता है, बैटरी यहाँ पे ना निगेटिव पोलैरिटी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन डंप करता है इस प्लेट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डंप करता है, और जो इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी यहाँ से खींचती है, तो ये पोटेंशियल बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके डंप कर देगा यहाँ। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डंप करने के कारण क्रिएट हो जाएगा इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज, और इस तरह से हमारा कैपेसिटर बैटरी की हेल्प से धीरे धीरे चार्ज होता है। कब तक चार्ज होता है, जब तक इस प्लेट पे पॉजिटिव क्यू और इस प्लेट पे निगेटिव क्यों बन नहीं जाता, तब तक हमारा ये जो प्रोसेस है बैटरी का, जो काम करने का तरीका है वो चलते रहता है। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें लगता है इस प्लेट पे ये पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज है हम समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर हुआ है,
लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, एक्चुअल में हम बैटरी की हेल्प ले रहे हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन इंट्यूशन पर्पस के लिए या जो स्टैंडर्ड पर्पस है, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके चलेंगे, तो हम ऐसा ही बोलेंगे कि ये जो चार्ज है यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आया, उसका रूट जो है वो बैटरी है, मतलब वो जो रूट जो है ये वाला रूट है, और जो काम जो वर्क कर रहा है यहाँ पे वो बैटरी कर रहा है। तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी। बैटरी जितना भी काम करेगा वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। अभी समझेंगे हम कि ये जो वर्क डन है, आखिर जो चार्ज है DQ, ये किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। ये तो समझ लिया किस रूट से और कौन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, तो बैटरी ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, और किस तरह से होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाले जाएंगे बैटरी के कारण, और बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डंप कर देगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इस तरफ आ चुका है, ठीक है। चलो समझते हैं अभी इसको किस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। समझो यहाँ पे देखो कि हमारा जो कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो कैपेसिटर है, जब भी हम ये दो मेटल प्लेट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ना प्लेट ए पे कोई चार्ज होगा, दोनों भी प्लेट न्यूट्रल होगी, लगभग जीरो चार्ज उस दोनों भी प्लेट पे होगा इनिशियली, जब हम बैटरी कनेक्ट ही कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब बैटरी जस्ट कनेक्ट ही कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, दोनों भी प्लेट पे चार्ज जीरो होगा, ठीक है। अगर बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, तो फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इस प्लेट पे जो चार्ज का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, वो कुछ बढ़ के जीरो से बढ़ के कुछ बन जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ पे भी बन जाएगा जीरो से बढ़ के माइनस क्यू, और जब ये एक्युमुलेट हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों प्लेट पे, तब हम बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर है अब फुली चार्ज है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कैलकुलस की हेल्प लेने वाले हैं, तो कैलकुलस के लिए हमें आसान भाषा में ये समझना है कि कैपेसिटर जब भी चार्ज करना है, तो चार्ज करने के दौरान एक चार्ज बिल्कुल जीरो चार्ज, और दूसरी कंडीशन है फुली चार्ज, इन दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच की जो कंडीशन है हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। चलो पहले तो मैं फुली चार्ज कैपेसिटर आपको बता देता हूँ कि एक जीरो जीरो कंडीशन बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कंडीशन बना है हमारा, ये जीरो चार्ज कंडीशन है। ये जीरो चार्ज कंडीशन कब बनेगा, मान लो अभी अभी बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, तो जस्ट बैटरी कनेक्ट करने के जस्ट मोमेंट लेटर यहाँ पे जो बन रहा है ये प्लेट पे जो चार्ज है वो जीरो है। अभी बैटरी कनेक्ट करने के कुछ देर बाद, मतलब मान लो ए टी इक्वल टू जीरो पे हमने कनेक्ट कर रखा है, टी इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट कर रहा है इसको, कनेक्ट कर रखा है इसको, केस ए वन बोलेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में टी प्लस डेल्टा टी पे देखेंगे कि जो सिचुएशन है हमारा वो सिचुएशन क्या बन रहा है। समझो ये सिचुएशन कुछ बनेगा टी इक्वल टू डेल्टा टी पे, और कुछ टी इक्वल टू डेल्टा डैश पे जो सिचुएशन बनेगा, ये इसको हम नाम दे देते हैं केस बी, और इसको नाम दे देते हैं केस सी। समझो यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन है टी इक्वल टू जीरो पे, ये जो सिचुएशन है टी प्लस डेल्टा टी पे, ठीक है, और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कुछ बन रहा है हमारा टी प्लस डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी डैश डेल्टा टी से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब इसको मान लो जीरो है, ये 2 मिनट है, और 5 मिनट, 5 मिनट के बाद इसको मानने के लिए मान लो यहाँ पे 5 मिनट में जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। 2 मिनट में अगर देखा जाए तो वो कंप्लीटली चार्ज नहीं, कुछ हाफ चार्ज है। हाफ चार्ज है मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है प्लेट पे, और ये इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें इस प्लेट पे पूरा पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ हुआ दिख रहा है, और इस प्लेट पे वैसे ही हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अभी ये जो चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू है, और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और ये जो कैपेसिटर 5 मिनट के बाद फुली चार्ज हो रहा है,
फुली चार्ज हो गया है। एक कंडीशन है जीरो वाला, यहाँ पे जो चार्ज है टोटल चार्ज जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन 2 मिनट के केस में, मतलब थोड़ी देर बाद, इससे थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत हमारे पास चार्ज है, थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज हमारे पास है, ठीक है। देखो इसको हम बोलेंगे Q डैश चार्ज है और इसको बोलेंगे हम माइनस Q डैश चार्ज है, ठीक है, Q डैश और माइनस Q डैश, ओके। देखो पूरा नहीं है, थोड़ा 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 है, अभी धीरे धीरे जैसे बैटरी काम करेगा, ये बैटरी काम करेगा धीरे धीरे, ये केस इस केस थ्री में ट्रांसफर हो जाएगा और हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा। देखो हमने पहले ही बात कर रखी है कि जो कैपेसिटर यहाँ पे इस प्लेट में चार्ज कैसे बढ़ रहा है। देखो बैटरी क्या करती है, बैटरी करती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डंप कर देती है, तो इस कारण इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस प्लेट पे पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमें समझना कुछ ऐसा है कि मान लो यहाँ से कुछ चार्ज निकल के जा रहा है इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, और जो चार्ज निकल के जा रहा है इस चार्ज को हम निकाल रहे हैं, और यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, मान लो यहाँ पे डी क्यू डैश, ये पॉजिटिव चार्ज हमने निकाला। अभी देखो डी क्यू चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, माइनस, तो जो माइनस चार्ज क्रिएट होगा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो इतना माइनस चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब जब निकाल रहे थे तब इसका क्यू डैश था माइनस क्यू डैश, और डी क्यू और निकालेंगे पॉजिटिव तो इसके बदले में एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी का अराउंड अकॉर्डिंग जितना भी चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, जीरो था, तो एक पॉजिटिव क्रिएट होता हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेगेटिव भी क्रिएट हुआ होगा, तभी जाके मिला के हमारा जो चार्ज है वो जीरो बन जाएगा। तो मान लो यहाँ पे डेल्टा क्यू अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ ले जा रहे हैं तो इस प्लेट पे जो क्रिएट हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू क्रिएट हो जाएगा, और इस माइनस डेल्टा क्यू के कारण इस प्लेट का जो माइनस क्यू डैश है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज बढ़ के इस प्लेट पे जो हो गया हमारा वो माइनस क्यू डैश माइनस डेल्टा क्यू डैश बन गया, ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। और ये जो डेल्टा क्यू चार्ज है, ये जो डेल्टा क्यू चार्ज है वो बी प्लेट से भागेगा, बी प्लेट से हम लाएंगे किस प्लेट पे, प्लेट ए पे, इस दौरान हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चार्ज को हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, डी डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो अभी इस कंडीशन में हमारे पास कुछ पोटेंशियल होगा, देखो यहाँ पे जो क्यू डैश के कारण एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, जब भी ये जो क्यू डैश है हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे धीरे धीरे जो एक्युमुलेट हो रहा है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एसोसिएट ये यूनिफॉर्म नेचर का होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे बी पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये वी बी ए और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी ए, ठीक है, और वी ए और वी बी पोटेंशियल को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देखो हम रिलेट कर सकते हैं उसको कुछ इस तरह से, ई इंटू डी, ठीक है, ई इंटू डी, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, देखो यहाँ से जब हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके बी सरफेस से या बी प्लेट से लेके ए प्लेट तक लेके आएंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव नेचर के कारण है, तो जब भी पॉजिटिव नेचर का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेगा, उसको उस पॉजिटिव चार्ज को दूर रखने में ज्यादा सुकून मालूम होता है, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाने में उसका रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये चार्ज जितना दूर होगा उतना ये चार्ज स्टेबल महसूस करेगा अपने आप को, ठीक है। तो देखो जब भी हम बी प्लेट से उसको ए प्लेट तक लेके आ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ेगा तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये वी से मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसको डेल्टा वी लिख लो या वी लिख लो, ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वी लिख लेते हैं,
ठीक है, या वी लिख लो, वी डैश लिख लो, इतना पोटेंशियल हमारा है यहाँ पे है, वी डैश पोटेंशियल इसके। अभी ये देखो, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे, जो पोटेंशियल चेंज है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किन दो प्लेट के बीच में, वी ए और वी बी, ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो इसको भी डैश लगा देते हैं, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरिएबल है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में ये बढ़ेगा, तो ये जो वी डैश है ये भी हमारा बढ़ेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट के बीच में, अभी फिलहाल तो हमारे लिए ये जो वैल्यू है ये हमारा वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, शायद आपको इस बात का अभी समझ, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो मान लो अभी जो सेकंड केस है हमारा बी, ये हम टी प्लस डेल्टा टी पे देख रहे हैं, जबकि हमारा कैपेसिटर अभी तो फुली चार्ज है भी नहीं। लेकिन अगर हम इस केस में, अगर हम इस केस में कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये जो केस है, चलो दूसरे स्लाइड पे बनाते हैं इसको। देखो हमारा जो केस चल रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ हमारा पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज था, इसके कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा था, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड, मान लो यहाँ पे ई डैश फील्ड बन रहा था, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण हमारे पास यहाँ पे जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर रखा है। और इस पोटेंशियल अगेंस्ट के, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हमारा जो एक चार्ज है, हम डी क्यू चार्ज है, वो डी क्यू चार्ज हम ले जा रहे थे प्लेट बी से, डी क्यू डैश ले जा रहे थे प्लेट बी से प्लेट ए तक। ठीक है, प्लेट बी से प्लेट ए तक। देखो समझो, अभी जो वर्क डन का डेफिनेशन होता है, इस वर्क डन, एक छोटा सा डेल्टा क्यू लेके जाने में कितना वर्क डन होगा, तो नाउ अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ टू नो डेल्टा डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, टू गेट डेल्टा क्यू डैश फ्रॉम प्लेट बी टू ए तक उसको लेके जाएंगे, तो कितना वर्क डन आएगा? देखो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है, वो वर्क डन होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डेल्टा क्यू। देखो छोटा सा वर्क डन, इतना पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज जब हम इस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उसका, और जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ही उसका वर्क डन होगा। ये जो वी डेल्टा क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। ठीक, थोड़ा समझे आप बेसिक में, चलो थोड़ा बेसिक से पढ़ो इसको। चलो हमने पढ़ रखा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ रन होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे रन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज को मान लो बी पॉइंट से उठा के ले जा रहा है ए पॉइंट तक, तो कितना डिस्टेंस ले जा रहा है, मान लो ये डी डिस्टेंस को ले जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ से यहाँ। अभी पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वैल्यू है वो वी बी है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है वी ए। तो इस केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली उसका बनेगा यू बी, बनेगा क्यू इंटू वी बी, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बनता है। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है, तो जब हम चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब भी हम इस पॉइंट पे चार्ज रखेंगे क्यू, तो उसका वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। उसी तरह ये इस पॉइंट पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं, तो ये जो आ जाएगा यू ए इक्वल टू क्यू इंटू वी ए, इतना आएगा। अभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है ए पॉइंट पे बी पॉइंट से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू बी इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा वी बी, वी ए माइनस वी बी,
और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा ये इसके बराबर आएगा, और इसको हम लिखेंगे, लिख सकते वी ए माइनस वी बी को लिख सकते वी वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकते हैं, हम वी लिख सकते हैं। ठीक है, शायद आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया, और जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है उतना ही हमारा निगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन निगेटिव तब लेते हैं हम, निगेटिव ऑफ वर्क डन इसका मतलब होता है कि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कर रहा है, सिस्टम का इंटरनल फोर्स कर रहा है। और अगर इंटरनल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है, हम एक्सटर्नली वर्क डन करवा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। हमारा एक्सटर्नल फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन हम करेंगे, या एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे या ऑन सिस्टम वर्क डन करेंगे, उसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, हमारा बैटरी कर रहा है, और बैटरी जो वर्क डन करेगा वो पॉजिटिव करेगा, ऑन सिस्टम करेगा। और जितना वर्क डन, कितना वर्क डन करेगा, उतना ही वर्क डन करेगा जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमने माना कि वी है। ठीक है, इस केस में क्योंकि ये सब कांस्टेंट है और यहाँ पे फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जैसा जैसा इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसा जैसा चार्ज बढ़ेगा वैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ई डैश बना रहे हैं, या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश बना रहे हैं, ये मोमेंट के लिए पॉसिबल है। ये जो हम डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस वर्क डन बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हो टी प्लस डेल्टा टी केस के लिए। जैसे ये डेल्टा टी टाइम राइज करेगा, वैसे ये जो धीरे धीरे ई डैश और वी डैश का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो मतलब हमारा जो पोटेंशियल अभी टी प्लस डेल्टा टी के लिए लेके चल रहे हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना चार्ज इंटू कितना पोटेंशियल, तो इतना उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, एक तो निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, पर लेकिन जब भी वो निगेटिव ऑफ वर्क डन हम लेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ होगा वो बाय सिस्टम अगर हुआ होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, और बाय सिस्टम जो भी वर्क डन होगा वो निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव ऑफ निगेटिव वर्क डन जो बनेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। एक तो ऐसे समझे, नहीं तो फिर ऐसे समझे, जैसे भी एक्सटर्नल कोई एजेंट वर्क डन करता है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करता है, और वो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है सिस्टम की, तो ये किस चीज ने वर्क डन किया, ये वर्क डन किया हमारे इस बैटरी ने, और इतना वर्क डन किया। और ऐसा भी बोल सकते हैं जितना डी डब्ल्यू बैटरी ने वर्क डन किया, डी डब्ल्यू बैटरी ने किस लिए वर्क डन किया, देखो इस डी क्यू को इस प्लेट तक लाने में वर्क डन किया, किस रूट से किया, इस रूट से किया। मान लो देखो यहाँ पे किस रूट से वर्क डन किया, इस रूट से वर्क डन किया, लेकिन हमारे लिए ये जो रूट है ये रूट मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें है कंजर्वेटिव फोर्स के डोमेन में है, और यहाँ पे जब कंजर्वेटिव फोर्स के डोमेन में होते हैं तब हमारा इनिशियल और फाइनल उस चीज का, उस चार्ज का पोजीशन मैटर करता है, वो नहीं मैटर करता कि हम उसको इस पाथ से लेके आए या इस पाथ से लेके आए या कुछ ऐसा लेके आए। हमारे लिए सिर्फ मैटर करेगा कि चार्ज बी प्लेट से कैसे भी करके ए प्लेट तक आ जाए, और इस चार्ज को, इस डी क्यू चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट में लाने में हमारा जो बैटरी है वो एक्सटर्नल वर्क करेगा, इसलिए हम ये जो है ये पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी के कारण जितना भी वर्क डन होगा वो इस सिस्टम के किस किसके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो हम अभी यहाँ पे कॉन्क्लूड कर लेते हैं कि इतना छोटा सा वर्क डन यहाँ पे हुआ जब हम चार्ज को प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ ले जा रहे थे। ठीक है, तो इतना हमारा वर्क डन हुआ। अभी धीरे धीरे करके हम इस टी प्लस डेल्टा टी को लेके जाएंगे, टी प्लस डेल्टा टी डैश। इस टाइम पे हमारा जो चार्ज कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर जो है हमारा वो कैसा है, फुल्ली चार्ज, फुल चार्ज। तो हमें अभी करना है इसका इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग अगर इस
को इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें पूरा जो वर्क डन होगा वो निकल के आएगा, जो पूरा वर्क डन होगा कंप्लीट वर्क डन। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से वी डैश डेल्टा क्यू, और देखो डेल्टा क्यू धीरे धीरे करके ला रहे हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन हम केस बी में समझ रहे हैं। देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे और थोड़ा बेसिक समझिएगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी तक एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, हमें लेके जाना है इस चार्ज के रिपल्सिव फोर्स के कारण ये जो चार्ज है ए से बी तक चला जाता है। तो इस प्रोसेस में कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, तो जब भी हम लिमिट लेते हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो से या ए से बी तक लेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स इंटू डी आर, यहाँ से हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन का जो लिमिट है ए से बी में पुट करेंगे। लेकिन इस केस में हम मानेंगे कि ये जो चार्ज है कहीं पर वो सी पॉइंट पे, इंटरमीडिएट एक सिचुएशन मानते, जिस भी लिमिट पे हमें सॉल्व करना होता है उस लिमिट के बीच में एक सिचुएशन मानते हैं, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और उस सिचुएशन में लिमिट जहाँ से जहाँ तक जाना है वो लिमिट पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ही इसका सॉल्यूशन आ जाता है। उसी अप्रोच को लेके हम लेते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, देखो एक केस था हमारा जो कैपेसिटर बिल्कुल भी जीरो जीरो पे, मतलब चार्ज नहीं कोई, एक केस है यहाँ पे क्यू डैश माइनस क्यू डैश पे, मतलब इंटरमीडिएट केस है, और एक केस है कि फुली चार्ज है, फुली चार्ज है। देखो हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, इस केस के अकॉर्डिंग हमने एक छोटा सा वर्क डन फाइंड कर लिया है, और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक। आप यहाँ से इस केस से एनालॉजी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा लेते हैं जीरो। देखो हम पहले तो यहाँ पे जीरो चार्ज था, अभी हमें धीरे धीरे इस डेल्टा क्यू को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाने में हम कहाँ तक उसको चार्ज करते रहेंगे, जीरो से क्यू तक चार्ज करते रहेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ नीचे इस तरह से आ जाएगा। लिमिट लगा लेते हैं जीरो से जीरो से क्यू तक, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो अभी इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है हमने डिस्कस कर रखा है। देखो और एक बेसिक है, हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये फिक्स रहता है कैपेसिटेंस, ठीक है। उसे अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस का वो क्यू बाई वी होता है। अभी बैटरी जो है यहाँ पे मान लो वी पोटेंशियल का हमने अप्लाई कर रखा है, नहीं एक मिनट, हाँ सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो यहाँ से अभी इस वी डैश के लिए हम एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा कुछ क्यू बाय सी। तो यहाँ पे वी के लिए हम पुट कर सकते हैं क्यू टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ पे टोटल वी डैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझो कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स है। अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स होगा तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। तो जैसा क्यू बदलेगा वैसा ही वी बदलेगा, या जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा वैसा वैसा क्यू का अमाउंट चेंज होगा। यहाँ पे वी डैश है तो यहाँ पे जो इसका जो वी डैश का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्यू बाय सी कैसे लिख सकते हैं, वी डैश का वैल्यू लिख सकते हैं वी डैश इक्वल टू क्यू डैश बाय सी। तो यहाँ पे वी डैश का हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी क्यू डैश, ये डी क्यू डैश हम लेके जा रहे थे, ठीक है। देखो सी तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और जो वेरिएबल फैक्टर है वहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, और इंटीग्रेशन हम कर देंगे जीरो से क्यू लिमिट में, जीरो से क्यू लिमिट में क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश। ये जो केस बना हमारा ये एक्स डी एक्स का केस है, एक्स स्क्वायर बाय टू इसका केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है हमारा क्यू डैश स्क्वायर बाय टू जीरो से क्यू तक वन बाय सी, और यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे क्यू पुट करने के बाद ये आएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे जीरो पुट करने के बाद जीरो ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आई क्यू स्क्वायर अपॉन
टू सी, और जितना वर्क डन होगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तो उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और उतना ही वो एनर्जी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अभी हमने जो कैपेसिटर कंसिडर किया था, जब फुल वो चार्ज हो जाएगा तो कितना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर करके रखेगा, वो उतना एनर्जी स्टोर करके रखेगा जितना बैटरी वर्क डन करेगा, और वो कितना है क्यू स्क्वायर बाय टू सी, इतना एनर्जी ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है, शायद आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अभी इसको कुछ अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन यूज करके, रिजल्ट यूज करके क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो क्यू बाय जो वी होता है वो कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, क्यू बाय वी। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा इस पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया था हमने बैटरी, वही पोटेंशियल इस दो प्लेट के बीच में क्रिएट होता है। तब भी मानते हम कि जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गए, तो यहाँ पे क्यू बाय वी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू बाय सी है, यहाँ पे देख लो क्यू बाय सी, उसको हम वी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू बाय सी है एक वाला, और जो दूसरा है इसको हम ऐसे लिखेंगे Q by 2। तो यहाँ पे Q by C के लिए V put कर दो, तो यहाँ पे जो expression आएगा हमारा 1 by 2 Q into V आएगा। ठीक है, तो हमारा दो expression यहाँ पे निकल के आ गया, जो energy का change या stored energy का value बताते हैं वो आ गया हमारा 1 by 2 Q V, और दूसरा आ गया 1 by 2 Q square by C। ये दो एक्सप्रेशन जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट थे, इसी को हम डिराइव करने का कोशिश कर रहे थे और हमारा ये अभी डिराइव हो चुका है। ठीक है, चलो और कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। समझो देखो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, जो यहाँ पे कैपेसिटर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका जो वैल्यू है ये कुछ आता है, ये कुछ आ जाएगा, नहीं इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, इस केस में इसका जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी स्टोर होगा, ये जो एनर्जी है ये आ गया है हमारा 1 बाय क्यू स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे अगर सी का वैल्यू पुट कर देते तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ बदल के बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते तो 1 बाय टू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर इतना कुछ यहाँ पे हमारा बना। और देखो यहाँ पे जो Q को भी हम पुट करते हैं वो सिग्मा इंटू ए के बराबर रहता है Q, तो यहाँ पे Q स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय 2, देख लो यहाँ पे 1 बाय 2 इंटू Q को पुट कर देंगे सिग्मा ए, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा ए का होली स्क्वायर इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सॉल्व कर लो तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा, तो ए से यहाँ पे ए कट गया और जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचा वो आ गया हमारे पास 1 बाय 2। यहाँ पे समझ लो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डेंसिटी है बिटवीन द प्लेट जो होता है यहाँ पे, और एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं ई, तो यहाँ पे ये 2 ई बचेगा, और इनटू यहाँ पे बचेगा हमारा देखो क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बच जाएगा, एक सिग्मा बच जाएगा, एक एरिया यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे डी बचेगा। ठीक है, समझो अभी जो इस एक्सप्रेशन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, अगर यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट हम लगा लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट,
कोई एक्सप्रेशन में हमारा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं। तो इस ई से ई को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा ये आएगा ई स्क्वायर इन टू और ए और डी जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल तो ए डी लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट। तो इतना जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बोल लो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, हम इसको ऐसा लिख सकते, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट में जितना एक एनर्जी स्टोर होगा, तो आप ये निकलने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया होगा तो आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। चलो अभी पैरेलल प्लेट में यहाँ पे केस टू पढ़ लेते हैं। अगर पैरेलल प्लेट में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी है, एनर्जी तो आपका आ चुका है इतना है, लेकिन इस दो पैरेलल प्लेट में जितना भी वॉल्यूम बाइंडेड है, कितना वॉल्यूम बाइंडेड है, ए इंटू डी का जो एक्सप्रेशन है ये हमारा वॉल्यूम शो करता है। इस पैरेलल प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम हमारा बाइंडेड है, मान लो ये पैरेलल प्लेट था आपका ऐसा था, तो इसमें जो बाइंडेड वॉल्यूम है इतना है, वी इक्वल टू ए डी। अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे हम एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो एक्सप्रेशन है हमें, हम इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसा बोल दो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, या एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको यू से डिनोट करेंगे, और जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है डेल्टा यू, उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो ए से ए डी यहाँ पे कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन जो बचा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इतना बचा। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड शो करता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से हमारा जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं कंक्लूड कर देता हूँ सारे पॉइंट एक दफा पे। हमने जो एक्सप्रेशन निकाले यहाँ पे इस डेरिवेशन के दौरान, कौन कौन से एक्सप्रेशन हमने देखे, देखो जो एनर्जी स्टोर होता है उसको चेंज इन पोटेंशियल, इसको इस एक्सप्रेशन से भी हम डिनोट कर सकते हैं, या तो इस एक्सप्रेशन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं क्यू इन टू वी, या फिर इस एक्सप्रेशन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी, यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, या तो फिर हाँ ये तीनों भी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या स्टोर एनर्जी को डिफाइन करेंगे। और जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो यू आएगा ये 1/2 एफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आएगा। तो ये चार एक्सप्रेशन, चार रिजल्ट आपके इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे 1/1 करके सभी डिस्कस किए, इसका डेरिवेशन, इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग सभी आपके साथ साझा किया। इस पॉइंट को आप पढ़िएगा, नोट करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो आप बताइएगा। थैंक यू।